Namaskar. Myself, Dr. Ashish Markan. I am the consultant vitreo retina and uvea specialist at i7 hospitals. तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में. जैसे कि आप जानते ही हैं कि डायबिटीज़ को मधुमेह की बीमारी भी कहा जाता है. और आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि इंडिया इस टाइम पे इंडिया इज़ रिगार्डेड एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. 1 in 10 पेशेंट्स इन इंडिया आर डायबिटिक. तो इस वजह से ये बीमारी और भी काफ़ी गंभीर रूप ले रही है. अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो डायबिटिक हैं, तो इंडिया के अंदर अराउंड 77 मिलियन, दैट इज़ रफली 7 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. तो इस वजह से हमें इस डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का आंखों पे क्या असर होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में. तो अराउंड 17% ऑफ पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होता है, दे सफर फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी. और इनमें से 4% पॉपुलेशन को साइट थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क रहता है. साइट थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसकी वजह से पेशेंट की निगाह या रोशनी जा सकती है. इसके कई कारण हैं जो हम सब्सिक्वेंटली या फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी डायबिटिक मरीज को कब हो सकती है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस रिस्क फैक्टर्स के बारे में. तो जिस पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं चल रहा है, शुगर्स के अंदर काफ़ी स्पाइक आ रहा है. दूसरा, जिन पेशेंट्स के अंदर चर्बी की बीमारी है जिसको हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है. या फिर पेशेंट्स जो रेगुलर स्मोकर्स हैं जिनको अनीमिया है, या फिर जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड है. इसके साथ साथ जिनको किडनी की डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट से हम ये कहते हैं कि उनको अपना पर्दा चेक कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि 2 तरह का डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स हैं उनको विदिन 5 ईयर्स अपना पर्दा चेक करवा लेना चाहिए, जबकि टाइप 2 डायबिटिक एक लेटेंट डिजीज़ है, इसलिए उनको अपना पर्दा इमिडिएटली चेक करवा लेना चाहिए. इसमें कई कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ के अंदर निगाह जा सकती है. इनमें से पहला कारण है डायबिटिक मैकुलर एडिमा. अब डायबिटिक मैकुलर एडिमा का क्या मतलब है? डायबिटिक मैकुलर एडिमा का मतलब है कि आपके पर्दे में सोजिश आ गई है शुगर की बीमारी की वजह से. दूसरा कारण है कि पर्दे के सामने खून आना. अगर हम बात करें इस आई मॉडल के थ्रू आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, ये आपके आँख का पर्दा है और ये आपके खून की नसें हैं जो पर्दे के अंदर रन करती हैं. तो अगर हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा की बात करें, तो डायबिटिक मैकुलर एडिमा जो आपकी देखने वाली शार्प निगाह है जिसको हम फोविया बोलते हैं, उस पर अगर सोजिश आ जाए तो उसको बोलते हैं हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा. तो ये 2 तरह का हो सकता है, या तो जो बिल्कुल देखने वाली निगाह को इन्वॉल्व करता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा, और दूसरा होता है जो देखने वाली जगह से थोड़ी सी अगर सोजिश दूर आए उसको हम बोलते हैं नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा. और इन दोनों का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है. इसके अलावा जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से निगाह कमज़ोर हो सकती है, वो है विट्रस हेमरेज. विट्रस हेमरेज का क्या मतलब है? कि पर्दे के सामने जो विट्रस जेली है उसमें खून का आ जाना. अब ये खून क्यों आ जाता है? क्योंकि डायबिटीज़ एक वैस्कुलर डिजीज़ है, और इस वजह से जो खून की कुछ न्यू नसें जो हैं, नई नसें जिसको हम बोल सकते हैं, वो पर्दे के अंदर बनती हैं और अल्टीमेटली उनकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है. जब ये ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग इस जेली के अंदर इकट्ठी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं विट्रस हेमरेज. बट घबराने की कोई बात नहीं है, विट्रस हेमरेज का भी इलाज हमारे पास है. तीसरा कारण जिसकी वजह से पेशेंट की निगाह जा सकती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. इसका मतलब है कि जो खून की नसें बनी थी, अगर वो उसी तरह से बनी रहें काफ़ी लंबे टाइम तक, और जो मरीज़ है वो डॉक्टर को अपना इलाज ना कराए या पर्दा ना चेक करवाए, तो वो खून की नसों में कई बार खिंचाव पैदा हो जाता है, उसकी वजह से पर्दे पे भी खिंचाव आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है. ना तो लेज़र ना ही इंजेक्शन से उसका कोई इलाज पॉसिबल है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास I7 के अंदर कौन कौन से टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं आपकी इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे OCT एंड OCT एंजियोग्राफी अवेलेबल है. OCT का मतलब है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसके अंदर की हम बेसिकली डायबिटिक मैकुलर एडिमा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सेंटर इन्वॉल्विंग है कि नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग है, उसको हम पिक कर सकते हैं, उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं. सेकेंड है OCT एंजियोग्राफी. OCT एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम पर्दे की नसों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ नई एबनॉर्मल वेसल्स तो पर्दे के अंदर नहीं बन रही, जिसको हम इमीडिएटली ट्रीट कर दें. और तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो है फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी. फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर हम फ्लोरेसिन डाई इंजेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद इवेंचुअली हम पर्दे की नसों को देखते हैं कि कुछ न्यू वेसल्स वगैरह तो नहीं बन रही पर्दे के अंदर, जिसकी फर्दर ट्रीटमेंट
हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है. एंड फाइनली अगर अभी आँख के अंदर विट्रस हेमरेज हो जाए, जिसके हम कहते हैं कि ब्लीडिंग आ जाए, तो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी भी है जिसके थ्रू हम पर्दे का स्टेटस चेक कर सकते हैं. हमारे पास एक आधुनिक टेक्निक की मशीन है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टोस वाइड फील्ड इमेजिंग, जिसके अंदर ना ही सिर्फ इमेजिंग होती है बल्कि एंजियोग्राफी भी पॉसिबल है. तो ऑप्टोस इमेजिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर हम पर्दे को अराउंड 200 डिग्रीज तक देख सकते हैं. और जो भी पेरिफेरी के अंदर, मतलब एक्सट्रीम कोनों के अंदर भी अगर कोई वेसल्स आपकी हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो ऑप्टोस के थ्रू हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी हमने आपको कारण अभी बताए हैं जिसकी वजह से आपकी निगाह कम हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है. सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटिक मैकुलर एडिमा. तो डायबिटिक मैकुलर एडिमा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंटर इन्वॉल्विंग हो सकता है या नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग. अगर वो सेंटर इन्वॉल्विंग है, उसके लिए हमारे पास बहुत तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम एंटी वेजफ इंजेक्शंस बोलते हैं. एंटी वेजफ इंजेक्शंस के अलावा हमारे पास स्टीरॉयडल इंजेक्शंस जो कि ओज़ोडेक्स इंजेक्शन है, वो भी अवेलेबल है. अगर एंटी वेजफ इंजेक्शन से आराम नहीं आता है तो हम अल्टीमेटली ओज़ोडेक्स इंजेक्शन पर स्विच कर सकते हैं. सेकेंड, अगर नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग डीएमई है, जिसको नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग मैकुलर एडिमा भी बोलते हैं, उन केसेस के अंदर हम फोकल लेज़र कर सकते हैं. उसके लिए हमें पहले एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, और जहां भी हमें लगता है कि पर्दे में लीकेज है जिसकी वजह से पर्दे में पानी भर रहा है, तो हम उन जगहों पे हम फोकल लेज़र के थ्रू थेरेपी दे सकते हैं. थर्ड, अगर हमें एंजियोग्राफी पे पता लग जाता है कि आपकी न्यू वेसल्स बन रही हैं, या क्लिनिकली भी हम पिक कर लेते हैं कि न्यू वेसल्स बन रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आधुनिक टेक्निक की लेज़र है जिसको पैन रेटिनल फोटोकॉगुलेशन बोलते हैं. तो पैन रेटिनल फोटोकॉगुलेशन यूजुअली 2 से 3 सिटिंग में किया जाता है, एंड उसके थ्रू हम खून की नसों को सुखाने या खून की नसों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. एंड फाइनली हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. अगर आपकी आंख के अंदर पर्दे में खिंचाव आ गया है, जिसको हम डायबिटिक ट्रैक्शनल डिटैचमेंट बोलते हैं, या फिर विट्रस हेमरेज है जो कि पर्दे के सामने खून आ गया है, तो उसके लिए हमारे पास MIVS सर्जरी अवेलेबल है. MIVS का मतलब है मिनिमली इन्वेजिव विट्रोरेटिनल सर्जरी. इसके अंदर हम यूजुअली 25 गेज से विट्रेक्टमी सर्जरी करके आपके खून की सफाई कर सकते हैं, या फिर जो पर्दे का खिंचाव है उसको ख़त्म कर सकते हैं. सो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि आपके या आपके रिलेटिव्स जिनको भी डायबिटीज़ की बीमारी है, उनकी रेगुलर रेटिना स्क्रीनिंग आप जरूर करवाते रहिए, ताकि अगर इनमें से कुछ भी बीमारी हम पिक कर सकते हैं तो उसका हम टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll be back soon with a new video on a new retina topic.